Hello students, today I am here to explain you that what is noun. Noun क्या है? So noun को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले उसका definition देखेंगे. What is the definition of noun? A name of a place, person, thing or animal is known as noun. यानि कि कोई भी चीज़ का या कोई भी जगह का कोई भी एनिमल का जो नेम होता है ना. हम लोग हुए, हमारे घर में चार भाई बहन हैं, तो मम्मी पापा ने क्या किया, सबका अलग अलग नाम रखा है ना. हम हर चीज़ को पहचानने के लिए अलग अलग, हमारे घर में हर चीज़ों के नाम अलग होते हैं, तो हर चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाम. तो जो हर चीज़ होती है जिसको हम नाम से पहचानते हैं, हर जगह का नाम अलग होता है, तो हमें पता चलता है ये जगह अलग है, ये जगह अलग है. जस्ट इमेजिन कि दुनिया में हर चीज़ एक ही नाम से जानी जाती, तो क्या हम किसी को पहचान पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान पाते. अच्छा, तो अब जब सबके नाम अलग अलग हैं तो सबके काइंड्स भी अलग अलग हैं, तो अब हम क्या पढ़ते हैं उसके काइंड. तो जो पहला काइंड आता है वो है कॉमन नाउन, सेकेंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ इज़ कलेक्टिव नाउन. अब इन सब को और अच्छे से समझने के लिए मैंने उनका एग्जाम्पल आपको दिया है. कॉमन नाउन में कौन कौन आते हैं, जैसे विमेन, मैन, जो कॉमन में हम बोलते हैं जिसमें हम एक नाम नहीं लेते, गर्ल, बॉय, ये सब कौन है, कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन में कोई भी जगह का ख़ास नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन है. नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने दिया है आप लोगों को काइंडनेस एग्जांपल में. काइंडनेस ये तो कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ एक फीलिंग होती है, राइट, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते. काइंडनेस, पोलाइटनेस एंड यू कैन से ऑनेस्टी, डेथ, ये सारी चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, राइट. द लास्ट इज़ कलेक्टिव नाउन, जिसमें कोई भी चीज़ को एक ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे कि हम बहुत सारी भीड़ खड़ी है, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े, तो उसमें गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जब वो एक साथ एक मेजॉरिटी खड़ी है तो हम उसे क्या कहते हैं, वहाँ पर क्राउड जमा हो रखा है, तो वैसे ही हर्ड वगैरह क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन की ये एक पहचान हो गई. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन. सो अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब कोई भी जगह का या किसी इंसान का कोई ख़ास नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राहुल, लंदन, लायन. ये चीज़ें क्या बताती हैं कि सॉरी, लायन इज़ नॉट प्रॉपर नाउन, लायन इज़ कॉमन नाउन, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि वो एक क्लास है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन राहुल, लंदन कोई नाम है, ठीक है, तो वो जो ख़ास नाम होता है जिसे एक नाम से ही पहचाना जाता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. जैसे कि लायन था वो कॉमन नाउन का है. कैसे? जैसे कि एक ऐसे नाम जो हम कॉमन में दे दिए हमने उस कैटेगरी के या उस काइंड के या उस क्लास के चीज़ों को. जैसे लायन है, लायन बहुत सारे लायन है ना, हमने सब लायन को अलग अलग नाम तो नहीं दिए. हाँ, जब आप उसका एक प्रॉपर नेम दे दोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो एक काइंड है ना, जितने भी लायन हैं सब लायन ही हैं. कंट्री, कंट्री क्यों, इंडिया होता तो प्रॉपर, लेकिन कंट्री है क्योंकि अलग अलग कंट्री जितनी हैं उनको हम कंट्री ही कहते हैं ना, नाम जब अलग लें तब अलग. जैसे कि हम उसके लिए एग्जांपल देखेंगे, बुक, बुक बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की बुक रखी हो तो वो भी बुक है, मैथ्स की बुक है तो भी बुक है,
है ना, बुक कोई भी हो वो बुक ही कहलाती है। तो जो कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। बहुत सिंपल है, प्रॉपर नाउन भी हमारा क्लियर हो गया और कॉमन नाउन भी। नेक्स्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो ओनली थिंक ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाम होते हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, है ना। स्लीप, डेथ, काइंडनेस, ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ें हैं, सिर्फ हम इसे सोच सकते हैं, इसे हम बता नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, है ना। ये फीलिंग तो हमारे अंदर होती हैं, तो इन चीज़ों को, ये जो सिर्फ एक फीलिंग होती हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत सिंपल होता है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जस्ट आप लोग जैसे डेली रूटीन में जो आप लोगों ने वर्ड्स देखे हुए हैं, बस वैसा ही होता है। नाउ लास्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। जब बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में बताते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमें सिर्फ एक नंबर में बता देना है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन से बना है ना कलेक्टिव नाउन, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, फ्लॉक, क्राउड, आर्मी। आर्मी भी कुछ लोगों को मिलके बनती है, क्राउड भी, कोई काउंटिंग तो है नहीं उनकी कि नहीं इतने लोग होंगे जब वो क्राउड बनेगा। जब कोई भी चीज़ एक मिलकर बनती है, एक टीम होती है, टीम बन जाती है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। होप दिस ईजी एक्सप्लेनेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू।